मेरे आज के जो महान गेस्ट है, आमतौर पे कभी भी रेडियो पर नहीं आते हैं, पहली बार वो रेडियो पर आए हैं, श्री श्री रविशंकर। कुछ पल जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। गुरुजी, आपने बहुत ही कम उम्र में ये समझ लिया था कि आप शायद दूसरे बच्चों से अलग है। हाउ डिड यू रियलाइज दैट दिस इज व्हाट योर लाइफ वाज मेंट टू बी, दिस वाज योर कॉलिंग? मैं बचपन से ये था मेरे में ना, जब हम स्कूल भी जाते थे, हम कहते थे कि पूरी दुनिया में मेरी फैमिली है, मेरी परिवार है, लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मैं बोलता था। अब हमारे दोस्त हमारे घर पे आके माँ को पूछते थे, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल झूठ है, उत्तर भारत में भी हमारा कोई परिवार नहीं है। बड़े एम्बरेसमेंट होते थे, मगर अंदर से तो आवाज़ ऐसी आती थी, तो हमको बहुत तकलीफ होता था उन दिनों में कि हम कुछ और देख रहे, जो मैं देख रहा हूँ वो कोई नहीं देख पा रहा, हम वो समझ ही नहीं पा रहे जो मैं बोल रहा हूँ। 4 साल की उम्र में श्री श्री रविशंकर जी बहुत ही आसानी से भागवत गीता का पाठ करते थे। उनके बचपन से जुड़ी कुछ यादें, कुछ और पन्ने कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के।